आपको शायद पता होगा, सीता माई के विवाह में जितने हाथी घोड़े दहेज में आए, इनके सामने घास फूस चारा डाला गया, हाथी घोड़ों की आंख में आंसू थे, वो कुछ खा नहीं रहे थे। चरवाहों ने दशरथ राजा को यह बात कही कि 3 दिन हो गए तो पानी तक नहीं पीते। स्वयं दशरथ घुड़साला में आए, उन्होंने देखा कमजोर हो गए हैं घोड़े हाथी। सूचना जनक राजा के पास पहुंची और पहुंचाई और कहा ये तो कुछ खाते नहीं है, मर जाएंगे। महाराज जनक ने जैसे ही ऐसा सुना तो उनकी आंखें डब डबा गई, वो रो पड़े और क्या विचार करने लगे। वो कहने लगे कि मेरे यहां के पशु और पंछी भी कितने होशियार हैं, कितने जानकार हैं। इनको पता है कि जानकी हमारी बेटी है और बेटी के यहां का तो पानी भी नहीं पिया जाता, इसलिए पशु वहां का जल नहीं पी रहे। जब तक वो हाथी घोड़े जिंदे रहे तब तक का उनका भोजन पानी का पूरा व्यवस्थान ये महाराज जनक ने अपनी मिथिलापुरी से कराया। पहले के जीवों को भी देखिए कितने होशियार होते थे। आज तो मम्मी पापा रिंकी के आंगन में बैठ करके जब तक ममता के घर के परांठे ना खाएं तब तक तो उन्हें अच्छा ही कहां लगता है।